अच्छा, इतने सारे तारों के बीच वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें कभी भुलाई नहीं जा सकती हैं। मैं एयरफोर्स के साथियों से भी बात करूंगा, जरा वायुसेना के साथियों में से मैं बातचीत करना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी बैठिए आप। सर जय हिंद सर, मैं ग्रुप कैप्टन वाई के कांडलकर 157 हेलीकॉप्टर यूनिट एयरफोर्स स्टेशन बैरकपुर से हूँ। हमें इस घटना की सूचना 10 तारीख को रात को 11 बजे के आसपास मिली। मेरी तकनीकी दल ने रात में ही हेलीकॉप्टर को इस कार्य के लिए तैयार किया और हम रात में ही टेक ऑफ करके गरुड़ कमांडो टीम को लेके सुबह 6:30 बजे तक देवघर एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां पर एनडीआरएफ टीम, आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। उसके हिसाब से जैसे कि एनडीआरएफ टीम ने कहा कि नीचे वालों तक वो कुछ सामान पहुंचा पा रहे थे, ऊपर नहीं पहुंचा पा रहे थे, हमें ये बात हवा से समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए हमने हवाई सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया। जब हम हवाई सर्वेक्षण करके हेलीकॉप्टर वहां पे ले गए तो हमें वो जो रोपवे की केबल्स थी वो बहुत पास जाने के बाद ही दिख रही थी। हेलीकॉप्टर जब उस केबल के पास जाता था तो दो तीन कठिनाइयां आ रही थी। सबसे पहली तो हेलीकॉप्टर की जो हवा चलती थी उससे वो केबल और वो केबल का दोनों की झूलने लगती थी और इस झूलने की वजह से जो रोपवे है वो हेलीकॉप्टर के पंखे से टकराने का खतरा बढ़ रहा था। इस प्रकार हमने फिर पूरे प्लानिंग करके कि कैसे करेंगे, क्या खतरे हैं और इससे हम कैसे निपट सकते हैं, हमने पूरी प्लानिंग की और रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 11:30 बजे शुरू किया। हम एक ट्रॉली के ऊपर जाते, उसके ऊपर हवाई जहाज को स्थिर रखना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो झूल रहा था। मेरे फ्लाइट गनर हवाई जहाज का दरवाजा खोल के ट्रॉली को देखते और मुझे निर्देश देते कि ट्रॉली कहाँ जा रही है। उस हिसाब से हम हेलीकॉप्टर को वहां पे रखने की कोशिश करते, गरुड़ कमांडो को विंच डाउन करते, वो ट्रॉली पे उतरता, अंदर जाके एक एक करके यात्री को विंच अप करने के लिए तैयार करता और उसके बाद हम उनको विंच अप कर देते। उसके बाद अगर उनको मेडिकल रिक्वायरमेंट जरूरत हो तो हम तुरंत ही उनको हेलीपैड ले जाते, वरना हम रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू करते। इस तरह से एक एक करके हमने टोटल 10 केबल का पहले दिन 22, अगले दिन बचे हुए सबको निकाला। टोटल 10 कार में से हम 35 लोगों को बचा पाए। ये पूरा ऑपरेशन एनडीआरएफ, जैसे कहा कि नीचे नहीं करना है क्योंकि नीचे वो खाना पहुंचा चुके थे, हमने ऑपरेशन ऊपर से शुरू किया, उनको ज्यादा जरूरत थी पहले रेस्क्यू करने की। इस तरह से पूरे कोऑर्डिनेशन से ही हम यह ऑपरेशन कर पाए हैं। धन्यवाद। अच्छा, मुझे बताया गया कि हमारे गरुड़ कमांडो लोगों का साहस बढ़ाने के लिए पूरी रात तार के सहारे लटक के रहे, उस समय आप लोगों के मन में क्या चल रहा था? जय हिंद सर, मैं सार्जेंट पंकज कुमार राणा, 627 गरुड़ फ्लाइट वायुसेना स्टेशन कलमशुंडा से। 10 अप्रैल की रात घटना की सूचना मिलते ही गरुड़ टीम ने तैयारी शुरू कर दी। घटना स्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले हमने घटनास्थल और रोपवे का जायजा लिया। जमीन से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई से नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए हमने हेलीकॉप्टर से विंचिंग के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारे लिए जो कठिनाइयां थी कि हवा में झूमते हुए उस रोप कार के ऊपर उतरना, अपने आप को संभालना और फिर उसके दरवाजे को खोलना जो कि सिर्फ बाहर से खुलता था, उस छोटी सी ट्रॉली के अंदर जाना क्योंकि उस समय हमें सिर्फ अपने हाथों के बल पर कार्य करना था, उस हवा में झूलती हुई ट्रॉली में नागरिकों को खड़ा कर हार्नेस पहनाना भी अपने आप में मुश्किल था। जितना मुश्किल इस ऑपरेशन को अंजाम देना था इससे कई ज्यादा मुश्किल ऊंचाई पर फंसे घबराए हुए नागरिकों, खासकर महिलाएं एवं बच्चों का साहस बढ़ाना था। देश और देश के नागरिकों की सेवा करना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है और गरुड़ टीम को गर्व है कि हम इस काम आ सके। भारतीय वायुसेना एवं गरुड़ द्वारा दी गई ट्रेनिंग का सही इस्तेमाल कर नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर तक पहुंचा सके। जय हिंद सर। देखिए, वायुसेना के हमारे हेलीकॉप्टर लेकर संभालने वाले लोग हो या तो आप गरुड़ वाले लोग हो, आप सब ने
एक प्रकार से भारतीय वायुसेना के सामर्थ्य और अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाई है। मैं एयरफोर्स के सभी साथियों को बहुत बहुत उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ।